हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार बाइक 360 में। मेरे साथ हमेशा की तरह अमित जी हैं आज, और इनका स्वागत करने गया तो हम सफर जैसे हो गए हैं। हमारे साथ में हमेशा से जैसे फेविकॉल का बॉन्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही चिपक चुके हैं। तो इनके साथ में मज़ा भी आता है बात करने में, इसलिए जब भी टाइम लगता है हम इनके घर पधार जाते हैं और ये इस तरीके का बेहतरीन सेटअप मिल जाता है हमें, और हम कुछ ना कुछ शूट करते हुए चले जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही शूट कर रहे हैं वैसे तो। अमित जी आप ही बता दो क्या शूट करने वाले हैं भाई। सबसे गर्मा गर्म टॉपिक जिसे कहते हैं ना, हॉट केक वाला। हाँ, वो एक्सयूवी 3XO नाम बदल लिया, कैसा लग रहा है आपको नाम वैसे? देखो कंपनी ने जो कहा है मैं उस पर जाऊंगा, 3XO यानी हमने 3X बेहतर बना दिया, तो वही 3X के बारे में बातें कर लेते हैं। हाँ। और ये मैंडेटरी ओ तो हमेशा रहता है, स्कॉर्पियो हो या फिर XUV 700, 500 सारी सीरीज में वो एक क्या कहते हैं उसको, रामबाण हमेशा यू नो महिंद्रा के लिए बना हुआ है, वो ओ लगाना लास्ट, जब नहीं लगाते तो फ्लॉप जाती है। नो स्पोर्ट बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पॉडकास्ट में XUV 3XO के बारे में बताते हैं। नया टीजर आया है, कुछ और डिस्प्ले आ चुकी हैं, चीज़ें जो है वो बेहतर लगने लगी हैं। स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट्स फाइनली जो है वो आप देखोगे इसमें यहाँ पे देखने को नजर आई, रैदर कॉलिंग इट स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट मैं कहूँगा, और स्ट्रेच हो गई है नीचे की तरफ, उनको वर्टिकली ज़्यादा बनाया गया है और प्रोजेक्शंस आ गए हैं। वो प्रोजेक्टर लाइट पहले भी आया करती थी बट अब ऊपर और नीचे उनको प्लेसिंग कर दी गई है हाई एंड लो बीम के लिए। अमित जी फ्रंट लुक तो बहुत चेंज होने वाला है इस बार, और महिंद्रा बहुत एग्रेसिव इस चीज़ को लेके अपडेट ऐसे किए हैं जो टाटा को भी शायद कॉम्प्लेक्स हो जाए। देखो ध्यान से समझें, महिंद्रा अपनी गाड़ियों को हमेशा बॉक्सी बनाता है जी। अब ध्यान से देखो तो उसकी XUV 300 जिसे अब X3XO कह के बुलाएंगे। हाँ। इसमें सबसे बड़ा चेंज यही है कि ये बॉक्सी है, जबकि नेक्सॉन जो है वो कूपे है। हाँ। वो बॉक्सी बिल्कुल नहीं है, कूपे है, और टाटा कूपे के दम पे ही खेल गया। हाँ। जबकि ये बॉक्सी के दम पे खेले। हाँ। और इको स्पोर्ट बंद होने के बाद इनको थोड़ा सा बूस्ट मिला सेल में, और ये टॉप 25 में भी आने लगे, और फिर धीरे धीरे नई एक्स आ गई नेक्सॉन और सब सब नए नए प्रोडक्ट आ गए सोनेट रेनिंग, तो फिर धीरे से फिर सेल वापस लड़क के वही 3000 यूनिट के आसपास पहुंच गए। तो एक्चुअल में इनका लॉस जो हुआ वो हुआ कोई अपडेट ना आने से। तो अब इनके दिमाग में ये था कि हम एक अपडेट दें और वो कम से कम 3 गुना बेहतर हो, भले वो 3 गुना है या नहीं वो हम बातें कर लेंगे। तो इस वजह से और इनके पास है प्योर बॉक्सिंग जैसे कि ब्रेजा है। हाँ। इस पूरे सेगमेंट को अगर ध्यान से देखें केवल ब्रेजा के अलावा कोई और प्योर बॉक्सी नहीं है, एसयूवी नहीं है, सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर में, और वो दूसरी जो है वो यही है। तो ये बॉक्सी का पूरा मजा लेंगे और साथ ही आपको मिलेगा एक अच्छा पावरफुल इंजन। हाँ। एक क्यों तीन पावरफुल है, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये इस सेगमेंट में या मैं कहूँ कि इससे ऊपर सेगमेंट में लगभग सेम इंजन ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा टॉर्किंग इंजन ना केवल डीजल में, पेट्रोल में भी। मतलब पेट्रोल में कौन सा इंजन ऐसा है जो 200 प्लस NM का टॉर्क दे रहा है? यहाँ पर दो इंजन उनके पास में ऐसे हैं जो दोनों ही 200 प्लस NM का टॉर्क देते हैं, और डीजल में भी नॉर्मल 250 NM नहीं है, 300 NM का टॉर्क यहाँ पर डिलीवर करती है महिंद्रा इस इंजन के साथ में। नया TGDI इंजन जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो बहुचर्चित तो नहीं हुआ, जैसे उसका 1.2 टर्बो इंजन था वो तो नहीं है, लेकिन अगर आपको पंची परफॉर्मेंस चाहिए और वो परफॉर्मेंस ऐसी हो कि सब कॉम्पैक्ट में आ जाए तो मेरे ख्याल में ये TGDI इंजन आपको चलाना चाहिए। मैंने बखूबी चलाया है और जब चलाने के बाद में एक जो एंथुजियाज वाली फीलिंग आती है वो इस इंजन के साथ में बरकरार है। मजे की बात ये है कि अब इसको आप खरीद पाओगे एक नए 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में जो आने वाला है। कौन सा है? AISIN एक कंपनी है, एक्चुअल में जापान ओरिएंटेड कंपनी है, और वह गियरबॉक्स बना रही है, और ये गियरबॉक्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट में मौजूद है 1, 2, 3, 4 कारों में जी। फॉक्सवैगन के दोनों सेडान और SUV, स्कोडा की दोनों सेडान और SUV में 1 लीटर इंजन के साथ जो टॉर्क कन्वर्टर आता है ये वही टॉर्क कन्वर्टर है जो यहाँ पर 1.2 लीटर इंजन के साथ आएगा अपने 6 स्पीड अवतार में, और मुझे वहाँ पर चलाने में मजा आएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं यहाँ तो और ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है जी, तो थोड़ा ज़्यादा मजा और आ सकता है। लेकिन जिनको अमित सर वैसे भी अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो AMT का कोई जवाब नहीं है, तो आप डीजल लेना चाहो या पेट्रोल लेना चाहो उसमें भी AMT है। तो अगर आपको वो 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब नहीं खर्च करने हैं, आपको वही 50-55 तक जो है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की फील लेनी है, तो देर यू गो विद दिस AMT ट्रांसमिशन। मतलब दो राय नहीं है, आप खरीद सकते हो फॉर सिटी ड्राइव। ऑब्वियसली हाईवे पे AMTs आपको प्लान करनी पड़ती है ओवरटेक करने के लिए, हमेशा आपको प्लान करना पड़ेगा, तो वो जरूर अगर सिटी में चल रहे हो एनी डे 50-55 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खरीदो, रनिंग ज़्यादा है तो आप खरीदो
चिंता फ्री, एकदम निश्चिंत होके आप इस AMT के साथ में जा सकते हो। 1.2 जो टर्बो इंजन है वो हालांकि माइलेज फ्रेंडली इतना ज़्यादा नहीं रहा है, हमेशा से लोगों को कि कंप्लेन उसके साथ में रही है कि यार इट इज़ नॉट इवन क्लॉकिंग 10 km/L उसके आसपास ही जो है वो रिवॉल्व होता रहा है वो इंजन। बट लेट्स सी हाउ महिंद्रा इस बार जो है वो इसको ट्यून करती है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग जो है वो नहीं रही जाएंगी, वो BS6 Stage 2 रेडी पहले भी था, आज भी वो BS6 Stage 2 रेडी है। लेट्स सी, अमित सर आप तो चलाने जा रहे हो, आप शायद अभी तो ड्राइव तो नहीं है इसकी, लेकिन अनवीलिंग जरूर है, अनवीलिंग पे मुझे सारे अपडेट्स अमित जी से मिलते रहेंगे, हम भी जो है वो लगे रहेंगे। बता देता हूँ आपको, 30th को मैं इसे ड्राइव करूंगा और होपफुली 2nd के आसपास आपको रिव्यू वीडियो पब्लिश होगा जी, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा परफॉर्म करता है। हालांकि परफॉर्मेंस को लेकर मैं केवल एक्साइटेड उस टॉप कन्वर्टर गियरबॉक्स को लेकर हूँ, बाकी तो सब पुराना खेल है, बिल्कुल मैं कोई भी चेंज नहीं है तो उसको लेकर एक्साइटेड नहीं हूँ। हाँ मैं फीचर्स जरूर एक्सपीरियंस करना चाहूंगा कि नई टच स्क्रीन कैसी लग रही है, डैशबोर्ड का लुक कैसा आया है, क्या संदूक सचमुच में इतनी बड़ी हो गई है कि वो पैनोरामिक भी लोग कह सकते हैं उसको, ये जरूर मैं महसूस करना चाहता हूँ। और फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमियां थी, जैसे सीट के पीछे पॉकेट की जगह वो स्ट्रिंग लगा देना, ये थोड़ा चीजें हटा के अब वो कैसा फील कराते हैं ये भी हमें देखना है। वायरलेस चार्जर भी इम्पोर्टेंट है आज के दौर में लोगों के लिए, और फिर वेंटिलेटेड सीट का क्या कहना जरूरत है हमारी, तो ये सब चीजें जब आ जाएंगी तो हो सकता है कि मजा आए। और शायद एक्चुअली 300 रियली टेम्पटेटिंग हो सकती है अगर इंडियन कंज्यूमर्स को महिंद्रा पर वो ट्रस्ट बन जाए जो वेन्यू सोनेट बेजार नेक्सॉन पे बना चुके हैं, बिल्कुल फिर बात बन जाएगी। XUV300 के साथ में जो है ना वो एक सबसे बड़ा कौन जुड़ा हुआ था उसकी बूट स्पेस का, लेकिन क्योंकि एक फेसलिफ्ट अवतार है तो मोस्ट लाइकली द बूट स्पेस विल रिमेन सेम, 250-257 लीटर्स के आसपास की इसकी बूट है। और प्रैक्टिकलिटी के मामले में आई कैन एक्चुअली गिव गुड नंबर्स टू इट अगर हम केवल ये बूट स्पेस को जो है वो थोड़ा सा साइडलाइन कर दें तो। मतलब अगर आप देखो तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल कोई भी ऑफर नहीं कर रहा था इस सेगमेंट में, वो सबसे पहले प्लेयर थे, या बड़ी पैनोरामिक जैसी सनरूफ आ चुकी है उसके अंदर, उसके साथ साथ 7 एयर बैग्स इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में, ये बेस्ट इन द सेगमेंट पहले भी थी आज जो है बेस्ट इन द सेगमेंट रहेगी, बशर्त ही है महिंद्रा इसके जो छोटे वाले वेरिएंट्स हैं वहीं से 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दे, जिसकी उम्मीद प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। डिस्प्ले जो है वो हमेशा से परेशान थे डिस्प्ले को लेके महिंद्रा के कंज्यूमर्स, और उन डिस्प्ले को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा 10.25 इंच के डिस्प्ले के साथ में, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कापले, ये तमाम चीजें तो आएंगी, वेंटिलेटेड सीट्स भी आएंगी, परफोरेटेड सीट्स आएंगी। अच्छा अमित सर एक चीज और, मुझे लगता है कि XUV300 के साथ में जो एक्सपेरिमेंट किया गया ईवी को लेके उसके लिए महिंद्रा ने काफी जल्दी कर दी, अगर वो 1 साल के बाद में इसको प्लान करते तो मुझे लगता है एक बेहतर प्रोडक्ट निकल के बाहर आता, 4.2 मीटर में भी शामिल हो जाता नए अपडेट्स के साथ में, और एक वो छोटा सा मार्क जो छोड़ के गया है ना पुराने वाली XUV400 के साथ में, वो आगे वाली नई जनरेशन में परसिस्ट या नई फेसलिफ्ट में परसिस्ट नहीं करता। ऑल्दो अभी जो है वो इसको फेसलिफ्ट अवतार ईवी में नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के बाद में आप इसको देखोगे आई से हटते हुए, लेकिन लगता नहीं है कि महिंद्रा ने काफी जल्दी करी ईवी को लॉन्च करने में, या तो शायद इसलिए कि हमारा पोर्टफोलियो मजबूत हो जाए, हमने अभी तक एक भी गाड़ी जो है वो सेगमेंट में ईवी में नहीं दी है। इंडिया की पहली ईवी ही महिंद्रा ने दी थी, बिल्कुल, लेकिन मजे की बात यह है कि जिस ईवी कंपनी का टेक ओवर किया उसके बाद उस पर रिसर्च बंद कर दी गई जी। टाटा ने बहुत समझदारी का काम किया, उन्होंने एक पूरी पूरी अलग कंपनी ही बना दी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, पूरी डिवीजन अलग थी, कंपनी अलग थी, और वो कंपनी की मार्केटिंग टीम अलग थी, और इवन उसके प्रोडक्शन टीम अलग थी, उसकी R&D टीम अलग थी, यानी उन्होंने पूरा अपना फोकस इलेक्ट्रिक 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 रखा, जबकि महिंद्रा ने चलो इलेक्ट्रिक भी कर लेते हैं वाला फोकस था। नतीजा क्या हुआ कि उनका पहला प्रोडक्ट जो XUV400 था जिसे हमने ऑलरेडी चला रखा है, वो प्रोडक्ट में बहुत सी कमियां थी जी। इतनी कमियां थी कि उसके फेलियर रोज आ रहे थे, कस्टमर जिन्होंने खरीदा था उनको लगता था उनके साथ धोखा हो गया है, वो समझ रहे थे कि ये भी नेक्सॉन जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट होगा वैसा नहीं निकला। फिर अपडेट आया और फिर जी भर के ब्रांडेड कंटेंट आ गए, स्पॉन्सर्ड वीडियो कहते हैं वो आए थोक के भाव, और नतीजा ये आया कि सबसे पहले केवल ब्रांडेड दिए गए तो लोगों को ये लगा कि शायद प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेकिन फिर जब उन्होंने चलाया यार ये तो जैसा था वैसे ही रह गया, नाम मात्र की चेंज करने से आप उसको सुपर बेहतर बनाने वाले वो जो स्पॉन्सर्ड वीडियो थे वो नहीं रह गए जी। नतीजा लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा, बिल्कुल। तो मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर कैटेगरी वाइज भले वो 4.2 लीटर हो लेकिन नेक्सॉन ईवी ज़्यादा बेहतर सुपीरियर प्रोडक्ट है क्वालिटी के मामले में। हाँ, लेकिन जब बात आए 3XO की तो यहाँ पर बाजी पलट सकती है क्योंकि महिंद्रा के पास बॉक्सी डिजाइन है जिस पर इंडिया फिदा है, पावरफुल इंजन है,
उस पर भी इंडिया फिदा है, एक ही कमी है, थोड़ा एवरेज कम है, लेकिन फीचर्स भी अब उन्होंने डाल दिया और सेफ्टी में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, पहले ही अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी शायद अच्छा करते रहेंगे, हम उसको लेकर भी कंप्लेन नहीं है। ओवरऑल अब उनके पास सब कुछ मसाला अच्छा इकट्ठा हो गया है 3XO को लेकर, बस उस 3XO की सही प्राइसिंग का इंतजार रहेगा। अच्छा, प्राइसिंग से अलावा एक और चीज मुझे याद है, महिंद्रा को अगर आप देखोगे XUV700 को आए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, एंड दे वर फर्स्ट, अगर हम देखा जाए किसी इंडियन ब्रांड में, दे वर फर्स्ट हु गेव एडास यहाँ पे, और एक नई प्रोडक्ट के साथ में उन्होंने एडास दिया, देर आफ्टर वो एडास जो है वो आप देखते हुए आ रहे थे, अच्छा काम भी कर रहा था। ये चीज़ टाटा के साथ में थोड़ा लेट आया, उन्होंने अपने नए फेसलिफ्ट में एक रेड एडिशन लॉन्च कर दिया, उसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो दे दी, एक नए प्रोडक्ट के साथ में वो नहीं आए, जबकि उनके पास में बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट था नेक्सॉन, जिसके अंदर एडास वो एक्चुअली ऑफर कर सकते थे, बट वो मेरे ख्याल में उनकी R&D टीम ने ये सजेशन दी होगी, मार्केटिंग टीम ने सजेशन कुछ इस तरीके से दी होगी कि हम लोग एक नए अवतार के साथ में पहले जाते हैं, उसके बाद एक अपडेट में, एक साल बाद अपडेट देंगे और वहां पर जो है एडास फुलफिल करेंगे हम नेक्सॉन के साथ में। ये महिंद्रा शायद ना करे इस बार, और आपको इस XUV 3XO में जो है वो एडास ऑफर होते हुए नजर आए। ये अभी तक हालांकि स्पेकुलेशंस ही हैं, हम बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सोनेट और वेन्यू ऑलरेडी इस सेगमेंट में एडास के साथ में आ रही है, तो व्हाई नॉट, महिंद्रा के पास में तो ऑलरेडी एक बिल्ट इन एडास है जो XUV 700 से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इधर करना है विद सम लो फीचर्स, हो सकता है वो कम एंट्री लेवल फीचर्स के साथ में ही यहां पर जो है वो आए, ताकि प्राइसिंग भी जो है जस्टिफाइबल रहे। आपको क्या लगता है सर, एडास कितने चांसेस आने हैं? एडास के चांसेस मोर देन 70% है और आना चाहिए, क्योंकि जब टेस्टिंग हो रही थी तो हमें कुछ लीक्स मिले थे जिनमें एडास वाला रडार कॉलम लगा हुआ था, जिससे उम्मीद है कि एडास आएंगे। फीचर्स कम होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जब उन्होंने आज से 3 साल पहले XUV 700 में दिया था, तब से अब तक R&D ज्यादा हो चुकी है। वो अलग बात है कि एडास महिंद्रा का खुद का एडास नहीं है, वो मार्केट का लिया हुआ एडास है और उसे उन्होंने अपने सिस्टम में फिट किया है जी। तो जब उन्होंने सिस्टम में फिट किया है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि उसी सिस्टम को जिसका वो ऑलरेडी पैसा पे कर रहे हैं, तो क्यों ना उसे वो 3XO में भी दे दें, और उसमें देने का फायदा ये मिलेगा कि उनको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में परचेजिंग होगी तो उनकी एडास की कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। और तब से अब तक जो कंपनी ने, जिस कंपनी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसने भी तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है और कॉस्टिंग भी कम हो गई है, तो उसे देने की संभावना अब ज्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता नहीं कि फीचर्स कम करेंगे, फीचर्स कम से कम उतने तो दिए ही जाएंगे जो XUV 700 में मिल रहे। करेक्ट। अच्छा, प्राइसिंग जो है वो कॉम्पिटिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेल्स चार्ट के बारे में बात करें तो XUV 300 एक टाइम पे तकरीबन 2500-3000 यूनिट के करीब कर रही थी, बट वो बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं। और अगर हम इस सेगमेंट में और कंपनीज को देखें, फॉर एग्जांपल टाटा को देखें, तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो इस सेगमेंट में, टॉप 5 में जो है वो हमेशा रहता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो प्राइसिंग भी जो है वो होनी चाहिए इस तरीके की, जो एग्रेसिव साउंड करे, लोगों को अपीलिंग करे। एग्रेसिव इन द सेंस नेक्सॉन 8.3 लाख रुपीज़ के आसपास जो है वो फिलहाल एक शोरूम उसका बेस वेरिएंट आ रहा है। स्टैंडर्ड अगर वो रखें 6 एयरबैग्स, या हो सकता है वो 7 भी कर दें, यू नेवर नो, क्या पता वो 7 एयरबैग्स के साथ में एक वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट फीचर लेके आए और प्राइसिंग यहीं 8.2 के आसपास रखें, तो लगता है कहीं ना कहीं गेम चेंज होता हुआ नजर आएगा। 7.9 से स्टार्ट होकर 8.3 के करीब जो है वो ब्रैकेट रखना चाहिए उन्हें। मैं कुछ अलग सोचता हूँ, आप ध्यान से देखें, महिंद्रा की एक सबसे बड़ी पॉलिसी रही है प्रोपेगंडा प्राइसिंग को लेकर। XUV 700 ग्यारह लाख से शुरू, अभी बुखार हो गया, पता पड़ा कि 11 लाख वाले मॉडल तो कभी हाथ लगे ही नहीं कहीं उधर को, स्कॉर्पियो 11 लाख 12 लाख से शुरू एंड, लेकिन वो भी बेस वेरिएंट कभी हाथ नहीं लगे। उसने का काम ही था कि प्राइसिंग को इतने कम से दिखाओ कि लोग टूट पड़े गाड़ी के ऊपर और खूब सारी बुकिंग आ जाए और बुकिंग का एक रिकॉर्ड बना दे कि हमने 10 मिनट में 2 लाख बुकिंग कर ली, 3 लाख बुकिंग कर ली, वो रिकॉर्ड बनाने पर जा रहा। तो वो रिकॉर्ड बनेगा ही तब जब आप प्राइसिंग कम रखें। तो मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि वो 799 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि यह बेस वेरियंट, चूंकि इन्हें बेचना तो ज़्यादा होता नहीं है, सप्लाई भी नहीं करनी होती है, वो तो सिर्फ प्राइस का वार खेलने के लिए दिया जाता है, जैसा कि स्कॉर्पियो एन सबूत है, XUV 700 उसका भी सबूत है कि वो कई कई महीनों तक लोगों को एक भी पीस डिलीवर नहीं किए गए। तो यहाँ भी होगा, एक ऐसा वेरिएंट दिया जाएगा इसकी कीमत कोई बड़ी बात नहीं 699 हो, चौंकना मत, बिल्कुल मत चौंकना, जब वो 11 लाख रुपए में XUV 700 दिखा सकते हैं, स्कॉर्पियो दिखा सकते हैं, एंड जिसका कि टॉप एंड वेरिएंट 35 लाख रुपए के आसपास है, फिर भी वो 11 लाख दिखाने के लिए उन्होंने किया था, तो यहाँ भी अगर 7 लाख रुपए दिखाने के लिए कर दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि माइंडसेट महिंद्रा का यही रहा है कि इतनी कम प्राइसिंग दिखाओ कि लोग सब कुछ छोड़ दें, उन्हीं की कार को बुक कर लें, भले उसके बाद बुकिंग
बाद में कैंसिल होंगे अलग बात है, correct. लेकिन कम से कम वो दिखा तो सके कि हमने 10 मिनट में इतनी गाड़ियां बुक कर ली, करेक्ट. और रिकॉर्ड उनका जो 700 स्कॉर्पियो एन के साथ बना हुआ है वो यहाँ भी उनका बन जाए तो क्या बुरी बात है, और मेरे अंदाज शायद वो हमें चपका सकते हैं, करेक्ट. ये हो सकता है ज़रूर, यू नेवर नो, उसके बेस वेरिएंट में वो कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जो ना हो इंडस्ट्री बेस्ट, जैसे कि वो हो सकता है दो एयरबैग्स के साथ ही स्टार्ट कर दें या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली बेस वेरिएंट में बिल्कुल ही आपको लगेगी डमी है, कुछ इस तरीके से जो है वो स्टार्ट कर दें. यू नेवर नो, लेट्स सी 29th अप्रैल वो क्या होता है. हम भी यहीं पर, आप भी यहीं पर, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक और पॉडकास्ट में आप जो है वो सारी चीज़ों का इंतजार ना करें, और जल्दी से नोटिफिकेशन बेल जो है टर्न ऑन कर दें, आपके पास तक सारे अपडेट पहुंचते रहें. आप हमें हमारी पर्सनल आईडीज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं दोनों की पर्सनल आईडीज़. हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में. एंड फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय. कीप ड्राइविंग कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस.